कायनात ऐसा है कि आप क्योंकि कई जगह पे कैंप्स लगते होंगे, कभी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी को मतलब कुछ नजर आ गया हो, कुछ चढ़ गया हो जिन विन? नजर तो नहीं आया, किसी को नजर कभी नहीं आया, लेकिन हाँ। ये कि आवाजें सुनी हो और एक लड़की ने हमारे में चमाटे खाई है उससे, बहुत सीरियस किस्म की। अच्छा। पहले उसे लगा कि प्रैंक हो रहा है उसके साथ, एबटाबाद में लगा था, पहाड़ों के बीच में हमारा कैंप लगा था और उस टाइम इतना फाइनेंशियली हर चीज स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो जो हमारे ड्रेसिंग रूम्स होते हैं ना, दो ड्रेसिंग रूम में लड़कियां हाफ एंड हाफ डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, डबल बेड्स वगैरह लगे होते थे वहाँ पे, तो लड़की को रात में पड़ी जोर की चमाट, इतनी जोर की इसको चमाट पड़ी कि उसके ना कान वान सब सुन हो गए इतनी जोर की, तो वो पाक बिल्कुल उसने कोई नजर नहीं आया, उसे सबको उठा दिया कि पूछूं मैं, किसी ने मजाक किया है तो अभी बता दो क्योंकि बड़ा सीरियस मैटर है, जंगलों के बीच में वो लोग रह रहे हैं। लेकिन फिर उसको समझा बुझा के कि किसी ने कोई मजाक नहीं किया, तो मैं ऐसी नींद में ख्वाब वाब आया होगा। आजकल है वो टीम में? नहीं आजकल टीम में नहीं है, लेकिन अच्छा उनको मार पड़ी। लेकिन ये कि सबने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, पड़ गई, वैसे नहीं पड़ सकी, ऐसे पड़ गई, इसको पड़ गई। वो बाथरूम गई है, वो बाहर आई है, उसको दोबारा रख के चमाट पड़ी है किसी से, मुंह धोकर आई, और उसके बाद वहां पे दोबारा कैंप नहीं लगा, मुंह धोकर आई थी, फ्रेश फ्रेश होकर आई कि चलो खाब वाप था, और उन्हीं को पड़ रहे थे थप्पड़। लेकिन ये कि बड़ा खतरनाक सीन था, मुझे ये लग रहा है कोई इन्वॉल्व था इसमें, उनके गालों पे आपके निशान पाए तो नहीं? नहीं, उसके निशान पाए गए। अच्छा, थे निशान? Yes, थे गालों पे? निशान थे गालों पे, निशान थे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन इट वाज वेरी स्कैरी। बहुत सारे और भी खेल खेले हैं आपने, स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कौन कौन से खेल इन्वॉल्व्ड है? ट्रैक एंड फील्ड में बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। मैं स्टार्ट मैंने ट्रैक एंड फील्ड से किया था, ट्रेनिंग वगैरह फिटनेस, डैड ने बहुत ज़्यादा पुश किया था कि ट्रेनिंग हर चीज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ट्रेनिंग आपकी सबसे इम्प्रूव होती है। यस, तो मैं अपनी कॉलेज के लिए, अपने स्कूल के लिए हर साल ट्रॉफी लेकर आती थी, चारों इवेंट्स में टॉप पोजीशन आती थी, फर्स्ट आती थी। तो ये एथलेटिक्स वगैरह क्यों नहीं परसू किया आपने? उतना मुझे स्कोप, डैड को इतना स्कोप नजर नहीं आया था उसमें, क्योंकि उस टाइम इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी और कोई ऐसा स्कोप नहीं था। क्रिकेट का बहुत स्कोप था और अभी भी क्रिकेट का काफी। अच्छा, ये जो बड़े बड़े खेल होते हैं, ये यसु पंजू वगैरह, ये वो खो खो पिट्ठू गरम, इन जैसे जो बड़े खेल हैं, इनको पॉपुलर करने में क्या करना होगा मुझ जैसे लड़कों को? आपको अपने सेट पे खिलाना शुरू करना पड़ेगा। खो खो खेलूं मैं यहाँ? खो खो खेले हम यहाँ पे, लेकिन ये मशहूर है, यूनिवर्सिटीज में ये सारे गेम खेले जाते हैं। एज अ खुद खेले मैं, बिल्कुल खवातीन की टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी मैं था। वो मुझे बुला देता है, हमारे साथ खो खो खेल। खो खो खेलो और डॉज द बॉल। वो मैं बहुत, मेरे मियां डॉज द बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, सारे हल्के खेल आपने लड़के को दे दिए, खुद क्रिकेट खेल रही, वो डॉज द बॉल लिए घूम रहे। वेरी गुड। अच्छा कायनात, बहुत मजा आया, आप हंसना मना में आए, हमने बहुत शरारतें भी की आपसे और कुछ सीरियस बातें भी की, बहुत ही अच्छा लगा कि आप आई और आपने मुश्किलात भी बताई और आपने ये भी बताया कि उनको टैकल किस तरह करना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मना। तो जाने से पहले कायनात, मैं करता हूँ एक कमाल की बात, आज ही कमाल की बात एक तस्वीर से शुरू होगी, तो तस्वीर है मोहनदास करमचंद गांधी की, ठीक है, हमारे पड़ोसी मुल्क के फादर ऑफ द नेशन है, उनके साथ पड़ी हुई एक चक्री जिसपे वो अपना कपड़ा खुद बनाते थे। उनका कहना ये था कि हम बैरूनी मुल्क की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, अपना हर चीज़ ज़रूरत की खुद बनाएंगे। पाकिस्तान को आज इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम बहुत कम चीज़ें अपने मुल्क में खुद बनाते हैं, हमें डिपेंड करना पड़ता है दूसरे मुल्क की इन्वेंशंस पर, दूसरे मुल्क की बनाई हुई चीज़ों से, जिसकी वजह से हमें डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी चीज़ें बनाते, दूसरे मुल्क को बेचते और उनसे डॉलर लेते, हमें उनकी तरफ देखना पड़ता है। तो जब तक हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद नहीं बनाएंगे, हमें हर वक्त किसी की मदद की ज़रूरत रहेगी।